अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और चलो, मैंने कहा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा सा अपने रूटीन के हिसाब से, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जो है वो दोपहर का वक्त है, 2 बज रहे हैं, तो अब खाना खाने जा रहे हैं। तो आज हमने बनाई थी दाल रोटी के साथ, तो बस वही खाएंगे। और बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो बस चाय का अरक पक रहा था, सालन तैयार था, तो मैंने बस अभी चाय का अरक पक गया। चले बस अब खाना खाते हैं, रोटी भी तैयार है, सालन भी तैयार है, और ये दोपहर का वक्त है, तो अब फिर शाम में क्या पकेगा तो इसके लिए अब सोचना पड़ेगा। और आप लोग ने क्या पकाया? चाय के बगैर तो भाई ज़िंदगी अधूरी है। जब तक खाने में चाय ना हो, खाने के फौरन बाद ही, तो बस लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, पिया ही नहीं है, बस दिमाग चलता ही नहीं है चाय के बगैर। तो चाय तो लाजमी है, तो इसलिए मैंने चाय वाय बना के साथ बैठती हूँ कि भाई फटाफट खाना खा के मैं चाय पी लूँ, तो ज़रा दिमाग को सुकून मिल जाता है। तो इनका चलो भाई आपसे ये भी शेयर करूँ। बस ये खाना चल रहा था हमारा बच्चों के शोर के साथ, बस अलहमदिल्ला खा रहा भी हमारा दाल के साथ रोटी, तो बहुत मज़ा आया खा के। आओ जल्दी जरा देखो कितनी प्यारी पोया मारी। ये थी आज की सारी रूटीन जो मैंने आपको दिखाई। बस ऐसे ही घर पर चलता रहता है बच्चों के साथ, तो आप लोगों को पता ही है कि टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कोई ना कोई काम निकल कर आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा ऐसे ही व्लॉग्स बना लेते हैं, घर के काम वाम करके फारिग होते हैं। तो सोचा कि भाई ये यूट्यूब पर थोड़ा सा देखती हूँ मैं भी यूट्यूबर्स को, तो थोड़ा सा शौक़ हुआ कि चलो भाई मैं भी कुछ करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। तो ज़रूर आप लोग मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फिर मैं भी और यूट्यूबर्स की तरह आगे जाऊँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।